त्रिभुजों में समरूपता कैसे जांचें? अभी तक हमने देखा कि कोई भी दो त्रिभुज, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ को समरूप सिद्ध करने के लिए दो कसौटियां हैं। पहला, संगत कोण बराबर हो, यानी कोण P बराबर कोण X, कोण Q बराबर कोण Y और कोण R बराबर कोण Z हो। दूसरा, संगत भुजाओं के अनुपात समान हो, यानी भुजाएं समानुपातिक हो। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, PQ बटे XY बराबर QR बटे YZ बराबर RP बटे ZX। तब त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज XYZ के। इनमें से कोई भी एक पूरी होने पर हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कोण 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 AAA समरूपता कसौटी। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की कोण 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 या AAA कसौटी कहा जाता है। आइए देखें इन कसौटियों को पूरा करने के लिए न्यूनतम कौन सी शर्तें ढूंढी जा सकती हैं। कोण कोण या एंगल एंगल समरूपता। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह त्रिभुजों की समरूपता की कोण कोण कसौटी है। इस कसौटी का उपयोग कर हम दो अन्य कसौटियाँ SAS यानी साइड एंगल साइड और SSS यानी साइड 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 को गणितीय रूप से सिद्ध करेंगे।